हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ECS T10 इटली की जो सीरीज चल रही है इसके सेकंड सेमीफाइनल मैच के बारे में। ठीक है, आज मैं थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ इसलिए मशीनों की आवाज़ आ रही है, इसलिए वीडियो का आप पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि आपको दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी हो जाए। ठीक है, आवाज़ थोड़ी दिक्कत दे रही हो तो आप वीडियो को देख के और पढ़ के भी आप स्टेट्स का अंदाज़ा लगा सकते हो। यह मैच खेला जाएगा ब्रेसिया सीसी वर्सेस मार्को और मिलानो के बीच। मैच की टाइमिंग है 2:45। डेट 10 मई 2024 आज ही की है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू देखें तो ASD जिन्ना क्रिकेट क्लब ब्रेसिया में मैच खेले जा रहे हैं तो आज का इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। ठीक है, एवरेज स्कोर देखें तो 140 से लेकर 150 का बनता है। और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो 53 मैच हो चुके हैं जिसमें से 16 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 31 मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने और 6 मैच इधर नॉन रिजल्ट रहे, यानी चेजिंग करने वाली टीम को इस वेन्यू पर एडवांटेज है। ठीक है, पहले बात करते हैं ब्रेसिया सीसी की जिसने इस टूर्नामेंट में 8 मैच खेले हैं, 6 मैच इनकी टीम जीती और 2 मैच इनकी टीम हारी है। ठीक है, इन दोनों में से भी जो भी जीतेगा वो सीधे सेमीफाइनल में जाएगा और इसीलिए वीडियो का आप पूरा देखना। ठीक है, पहले बात करते हैं अपन लास्ट मैच जो खेला गया उसके हिसाब से हमने प्लेयर को सेट कर रखा है। तो पहला प्लेयर है मोहम्मद मार्शल जिसने 8 मैच में 195 रन बनाए, 7 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 6 विकेट लिए। इंपॉर्टेंट प्लेयर है और बॉलिंग और बैटिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेगा, साथ के साथ अपन टीम बनाते हुए चलेंगे ताकि आपको कॉम्बिनेशन भी समझ में आ जाए। यहाँ से मोहम्मद मार्शल को सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन 97% है। ओवरऑल रिकॉर्ड मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि 8 मैच हो चुके हैं, हमने 8 के 8 मैचों में इनका सिलेक्शन बताया था, ओवरऑल रिकॉर्ड बताया था इसलिए क्योंकि आवाज़ भी आ रही है इसलिए हम इस टूर्नामेंट की ही बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद है रिजवान महमूद जिसने 6 मैच में 108 रन बनाए, यानी बैटिंग ठीक ठाक करी और पिछले कुछ मैचों से ओपनिंग आ रहा है इसलिए ग्रैंड लीग में आज के मैच में काम आ सकता है। इसके बाद है साजिद खान अफरीदी जिसने 8 मैच में 95 रन बनाए, 12 ओवर की गेंदबाजी करी, 5 विकेट लिए, यानी बैटिंग और बॉलिंग अच्छी कर रहा है इस टूर्नामेंट में और नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहा है, लास्ट मैच में भी अच्छी पारी खेली थी, इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है और अनुभवी प्लेयर है इसलिए आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, 93% इसका सिलेक्शन है। ठीक है, इसके बाद है इमाद खान जो इस मैच में बढ़िया कैप्टन वाइस कैप्टनसी का दावेदार है क्योंकि लास्ट जो इनका क्वार्टर फाइनल मैच हुआ था उसमें इसने 2 ओवरों की कंप्लीट गेंदबाजी भी करवाई थी और अच्छी खासी 40-50 रन की पारी भी खेली थी। इस टूर्नामेंट के 8 मैच में 153 रन बनाए, 8 ओवर की गेंदबाजी करिए, 5 विकेट लिए, बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और सिलेक्शन देखोगे तो सिलेक्शन देखने को मिलेगा इसका 94%, एक बढ़िया ऑलराउंडर और आपको जरूर ट्राई करना है। इसके बाद है जावेद महमूद जिसने 8 मैच में 97 रन बनाए, 15 की एवरेज से, कुछ खासा बैटिंग नहीं करी है क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी इसका फिक्स नहीं है, बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर नीचे होता रहता है इसलिए आप खाली इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना। उसके बाद है क्लब सजाद जो एक विकेट टेकर गेंदबाज है, 8 मैच में 70 रन बनाए, 14 ओवर की गेंदबाजी करी, 9 विकेट लिए, अच्छे खासे विकेट लेके जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और सिलेक्शन देखे क्लब सजाद का तो सिलेक्शन भी अपने को हाई मिलेगा, 86%, एक बढ़िया ऑलराउंडर है। ठीक है, इसके बाद है हसनैन नावीद जिसने 6 मैच में 48 रन बनाए, 3 ओवर की गेंदबाजी करी है, विकेट लेस गया है, बॉलिंग और बैटिंग कुछ खास नहीं कर रहा है इसलिए आप इसको खाली ग्रैंड लीग में कुछ रिस्की टीमों में डालना हो तो डाल सकते हो। इसके बाद है इमरान नावीद, 8 मैच में 13 ओवर 2 विकेट, बॉलिंग कंफर्म कराई है इसने लेकिन विकेट इसको कम मिले हैं इसलिए खाली अपन ग्रैंड लीग में देखेंगे, हेड टू हेड और मिनी ग्रैंड लीग में आप इसको ट्राई मत करना क्योंकि बॉलिंग करवा रहा है इसलिए आप ग्रैंड लीग में कुछ टीमों में इसको डाल सकते हो। उसके बाद है जावेद महमूद जिसने 8 मैच में 14 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 7 विकेट लिए, बॉलिंग कंफर्म करा रहा है और विकेट टेकर गेंदबाज है इसलिए आप इसको ट्राई कर सकते हो और सामने थोड़ी आज इस टीम के मुकाबले थोड़ी वीक टीम है इसलिए आप इस प्लेयर को जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद है नासिर हुसैन जिसने 8 मैच खेले, बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करी है। इसके बाद है बाबर खालिक जिसने 1 मैच खेला था लास्ट वाला, इसमें बॉलिंग बैटिंग कुछ नहीं मिली। ओवरऑल रिकॉर्ड देखें डोमेस्टिक का 6 मैच में 16 की एवरेज से 84 रन है। बेंच की बात करें, बेंच पर से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टैट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बात करते हैं दूसरी टीम मार्को और मिलानो की जिसने इस टूर्नामेंट में 8 मैच खेला है, 4 मैच जीती है, 3 मैच हारी और 1 मैच इनका नॉन रिजल्ट रहा है। दूसरी टीम के मुकाबले थोड़ी वीक है तो इनों के मैन प्लेयर अपन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहला प्लेयर है अज्जाद भट्ट जिसने 7 मैच में 222 रन बनाए, 4 ओवर की गेंदबाजी करी, 1 विकेट लिया, बढ़िया बैटिंग कर रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है और सिलेक्शन देखोगे तो सिलेक्शन भी 97% है। ठीक है, इसके बाद है आसम जावेद ठीक है, जिसने 7 मैच में 289 रन बनाए, 41 की शानदार एवरेज से, यानी ऐसी बल्लेबाजी कर रहा है कि आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन से भी बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक खावर नादिम जिसने पहला मैच खेला था, 25 रन बनाए, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करी थी, तो ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में डाल सकते हो क्योंकि पिछले मैच में अच्छी बैटिंग करी थी, सिलेक्शन मात्र 3% इसका सिलेक्शन है। ठीक है, उसके बाद है हसनैन काबिर जिसने 7 मैच में 43 रन बनाए, 14 ओवरों की गेंदबाजी करी, 4 विकेट लिए, बॉलिंग करवा रहा है कन्फर्म लेकिन इस प्लेयर को विकेट थोड़े कम मिल रहे हैं। ठीक है, और इसका सिलेक्शन देखोगे हसनैन काबिर का तो सिलेक्शन है 73%, लेकिन अपन इसको ट्राई नहीं करेंगे, इससे अच्छा आप इसमें ग्रैंड लीग के खिलाड़ी डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद है उमर आकिल जिसने 3 मैच में 37 रन बनाए, कुछ खासा बैटिंग नहीं करी है, बैटिंग ऑर्डर भी फिक्स नहीं है।
उसके बाद है मुबासिर आमिन, 3 मैच में बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करी, ओवरऑल रिकॉर्ड 17 मैच में 332 रन है 26 के एवरेज से। इसके बाद है मोहम्मद उमर जिसने 7 मैच खेले, बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करी। उसके बाद है रफूतर रफात जिसने 7 मैच में 14 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 10 विकेट लिए, यानी बढ़िया गेंदबाजी करवाई और विकेट भी लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सलेक्शन आप देख सकते हो 85% इसका सलेक्शन है। इसके बाद है अब्दुल्ला जिसने 7 मैच में 14 ओवर की गेंदबाजी करवाई है, 12 विकेट लिया, यानी विकेट टेकर गेंदबाज है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और 92% इसका सलेक्शन है, ठीक है। उसके बाद है मीर कामरान जिसने 3 मैच में 5 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 4 विकेट लिए, बॉलिंग करवा रहा है, इसलिए आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हो क्योंकि 6 मैच लगभग हर मैच में 2 ओवरों की गेंदबाजी करवाई है, जिसने विकेट भी लिए, तो आज के मैच में आपके लिए डिफरेंशियल के तौर पर आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है वकार तौकीर जिसने 6 मैच में 10 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 4 विकेट लिए, ठीक है। तो वकार तौकीर ने भी 4 विकेट लिए, मीर कामरान ने भी 4 विकेट लिए, जबकि दोनों के ओवर में आप कितना फ़र्क है, तो आप मीर कामरान के साथ जा सकते हो क्योंकि एक विकेट टेकर गेंदबाज दिख रहा है, ठीक है। सलेक्शन भी देखे तो 24% इसका सलेक्शन है, ठीक है। बेंच की बात करें, बेंच पर से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टेट्स हम आपको टेलीग्राम पर देंगे जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। बात करते हैं अपन टीम की, तो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर था सभी को ट्राई कर लिया, एक लास्ट प्लेयर बचा है, तो इसमें आप मुबासिर आमिन को ट्राई कर सकते हो क्योंकि बैटिंग आने की उम्मीद रहेगी इस प्लेयर की, और इसके अलावा कोई दूसरा विकेट कीपर खेलेगा तो आप उसके साथ जा सकते हो, या नासिर हुसैन खाली विकेट कीपरिंग के पॉइंट देगा, बैटिंग नहीं मिलेगी उसको, ठीक है। तो अपन मुबासिर हुसैन को सेलेक्ट करेंगे, ये जो इंपॉर्टेंट प्लेयर था सभी को सेलेक्ट कर लिया है। और कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात, अगर आपको इस टीम में चेंज करना है तो आप एक प्लेयर को चेंज कर सकते हो, मीर कामरान की जगह आप अलग अलग खिलाड़ी रोटेट करके टीमें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। किसी में इसको डाल दिया, रिजवान महमूद को ले लिया, किसी में इसको निकाल के अपन ने हसन काबिर को ले लिया, हसन काबिर की जगह नाविद को ले लिया, ऐसे आप टीम में चेंज करके और ग्रैंड लीग में ज़्यादा टीम बना सकते हो। फिलहाल के लिए अपन यहाँ से डेमो टीम है, इसलिए मीर कामरान को सेलेक्ट करेंगे। और कैप्टन की बात करें तो इस मैच में कैप्टनसी के देखो मैं आपको चॉइस बता देता हूँ, एक है इमरान खान, ठीक है, अच्छा चॉइस है, अज्जाद भट्ट को भी कैप्टन बना सकते हो, और ग्रैंड लीग में असमत जावेद को बनाना, ठीक है। उसके अलावा हेड टू हेड और मिनी ग्रैंड लीग में आप मोहम्मद मार्शल को बनाओ, वाइस कैप्टन यहाँ से अपन इमाद खान को बनाएंगे क्योंकि इनों की टीम थोड़ी मजबूत नज़र आ रही है, इसलिए कैप्टन वाइस कैप्टन अपन इसी के रखेंगे। और अगर बैटिंग आती है एमए इसकी ब्रेसिया की तो अपनी ये टीम फाइनल रहेगी, ठीक है। और बात करते हैं, आपको टीम बता दी, अब टीम आप ये सेव करके रख सकते हो या खाली डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जावे। इसके अलावा 13 तारीख से एक नई टी10 की सीरीज स्टार्ट हो रही है, वुमेंस की भी और मेंस की भी, तो हम उसको भी कवर करेंगे, उसमें भी आपको अच्छी खासी टीम बनाने में हेल्प मिल सकती है। उसके अलावा मैड्रिना कप की एक टी20 सीरीज चल रही है, इसमें फ्रांस, बेल्जियम और माल्टा की टीमें, हमने उसका भी आज एक वीडियो डाला है तो उसमें भी जाके आप वीडियो देख सकते हो, 2:30 बजे मैच है, तो उसमें भी आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी कौन कौन से प्लेयर लेने, कौन कौन से ड्रॉप करने, ठीक है। और बढ़िया मैच है दोनों के दोनों, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।